इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे बिहार में जो इस बार 21 सितंबर से 28 नई ट्रेन चालू हुई है, यह कौन कौन से रूट पर ट्रेन का परिचालन शुरू होगा और उसकी समय सारणी क्या होगी, यह भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो अपडेट। आगामी बिहार में आने के लिए फेस्टिवल का सीजन शुरू होने वाला है और यहाँ पर यात्रियों को परेशान न करने के लिए रेलवे बोर्ड ने 28 नई ट्रेनों की लिस्ट बनाई है। इनमें कई ट्रेन बिहार को जोड़ेगी और बिहार होकर चलेगी। हम एक एक करके सभी ट्रेन का समय सारणी और उसे सारी जानकारी आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्लोन ट्रेन में अतिरिक्त सुविधाएं आपको नजर आएंगी, इसलिए इसमें किराया भी ज्यादा लगेगा। इसमें हम सफर एक्सप्रेस का किराया लगा, यानी कि फ्लैक्सी फेयर आपको अब टिकट बुकिंग कराते वक्त देना पड़ेगा। बिहार में सहरसा से दिल्ली के रूट पर एक नई ट्रेन का परिचालन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही श्रमजीवी एक्सप्रेस को भी एक नई क्लोन ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा। राजगीर नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस का क्लोन ट्रेन बनाया जाएगा। वहीं दरभंगा से दिल्ली के बीच भी चलने वाली ट्रेन को एक नए रैक के साथ क्लोन ट्रेन के लिए परिचालन शुरू कराया जाएगा। बिहार में तमाम रूटों पर चलने वाली सभी ट्रेनों को क्लोन ट्रेन बनाया जाएगा। इसके अलावा नॉर्दर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे और साउथ वेस्ट रेलवे के साथ साथ वेस्ट रेलवे से 7 जोड़ी क्लोन ट्रेन आएगी। इन सभी क्लोन ट्रेनों में हम सफर एक्सप्रेस यानी फ्लैक्सी फेयर लागू किया जाएगा। इसको लेकर के रेलवे की ओर से स्पष्ट गाइडलाइन और निर्देश जारी कर दिया गया है। राजेंद्र नगर से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली स्पेशल संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का क्लोन बनाया जाएगा और इस क्लोन ट्रेन का नंबर बदलने के लिए साथ साथ समय सारणी भी निर्धारित की गई है। क्लोन ट्रेन संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस राजेंद्र नगर से 4:25 पर रवाना होगी। वहीं दूसरी ट्रेन की बात करें तो दिल्ली सहरसा के बीच चलने वाली क्लोन ट्रेन शाम 5:50 पर रवाना होगी। वहीं सहरसा से दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन 5:15 पर खुलेगी, ट्रेन संख्या 02563 के साथ। इसी के साथ राजगीर दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस जो कि क्लोन ट्रेन है और यह क्लोन ट्रेन सुबह 7 राजगीर से दिल्ली के लिए रवाना की जाएगी। दूसरी दिशा में ट्रेन संख्या 03392 दिल्ली से राजगीर के बीच श्रमजीवी एक्सप्रेस क्लोन ट्रेन 11 रवाना होगी। वहीं राजगीर से दिल्ली के बीच यह ट्रेन सुबह 7 खुलेगी। इसी के साथ पांचवी जो ट्रेन होगी वो दरभंगा दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन, यह ट्रेन दरभंगा से सुबह 7 खुलेगी और दूसरी ट्रेन 02570 दिल्ली से दरभंगा। दूसरी दिशा में यह ट्रेन दिन के 12:15 खुलेगी। मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए भी एक नई क्लोन ट्रेन का परिचालन देखने को मिलेगा और यह ट्रेन 9:40 पर रवाना की जाएगी। वहीं दिल्ली से मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली दूसरी दिशा में यह ट्रेन 12:50 पर दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होगी, जो कि स्पेशल नंबर के साथ 02574 के साथ चलेगी। और अब बात कर लेते हैं राजेंद्र नगर से दिल्ली के बीच चलने वाली संपूर्ण क्रांति क्लोन एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से चलने वाली ट्रेन के बारे में। यह ट्रेन शाम 4:25 पर राजेंद्र नगर से खुलेगी और वहीं दिल्ली से यह ट्रेन दिन के 1:30 पर खुलेगी। जयनगर से अमृतसर के बीच भी एक जोड़ी ट्रेन दिया गया है और दोनों ही दिशाओं में इस ट्रेन का परिचालन देखने को मिलेगा। यह ट्रेन जयनगर से सुबह 6:15 पर खुलेगी और वहीं अमृतसर से ट्रेन संख्या 04652 बनकर दिन के 10:55 पर अमृतसर से जयनगर के लिए रवाना होगी। सिकंदराबाद से दानापुर के लिए भी एक नई ट्रेन को दिया गया और यह नई ट्रेन 7:30 सिकंदराबाद से रवाना होगी। वही ट्रेन संख्या 02788 दानापुर से सिकंदराबाद के बीच यह ट्रेन सुबह 9 खुलेगी। बेंगलुरु से दानापुर के बीच और दानापुर से बेंगलुरु के बीच भी एक क्लोन ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है और यह ट्रेन बेंगलुरु से सुबह 8 खुलेगी। और दानापुर से बात करें तो इस ट्रेन का समय सारणी के बारे में तो यह ट्रेन सुबह के बजाय शाम में 6:10 पर खुलेगी, ट्रेन संख्या 06510 के साथ। और अब जान लेते हैं दरभंगा से चलने वाली ट्रेन के बारे में। दरभंगा से अहमदाबाद के लिए एक क्लोन ट्रेन चलाया गया और यह ट्रेन रात्रि 8:40 पर अहमदाबाद से दरभंगा के लिए रवाना होगी। वहीं दरभंगा से यह ट्रेन सुबह 4 खुलेगी। सूरत छपरा के बीच भी एक जोड़ी ट्रेन का परिचालन देखने को मिलेगा और यह ट्रेन सुबह 8:30 सूरत से छपरा के लिए रवाना होगी और छपरा से यह ट्रेन सूरत के लिए 8:30 खुलेगी। पटना से अहमदाबाद के बीच भी एक जोड़ी ट्रेन का परिचालन दिया गया है और यह परिचालन शाम के 4:50 पर कटिहार और दिल्ली के साथ साथ पटना से अहमदाबाद के लिए ट्रेन रात 10:30 मिलेगी। तो ये था बिहार आने वाली और बिहार होकर चलने वाली सारी ट्रेनों का समय सारणी, जो कि इस रूट की
सबसे महत्वपूर्ण और बेहद खास ट्रेन रहने वाली है। इन सभी ट्रेनों का परिचालन 21 सितंबर से शुरू होगा और उससे पहले रेलवे इसकी बुकिंग तारीख का ऐलान करने वाले हैं। क्या रहेगा बुकिंग और कैसे होगी इस ट्रेन की बुकिंग, यह भी आपको बताएंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट में। हमें अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।